तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि विज्ञान घर सीजन 4 का इस बार सेटअप हुआ है सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल में, और अब हमारे पास हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल की मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल रश्मि मिश्रा जी से। तो मैम, प्लीज़ आप पहले हमें अपने बारे में और स्कूल के बारे में कुछ बताइए। मैं स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। ये स्कूल को एस्टेब्लिश हुए 11 ईयर्स हो चुके हैं। दिस इज़ द 12th ईयर दैट इज़ रनिंग। और हमें दीपक सर ने आके जब ये बात करी कि विज्ञान घर कहाँ बनाएं, तो हमने सोचा, पहले तो हमने टॉपिक डिस्कस किया कि एक्चुअली विज्ञान घर का अब की बार टॉपिक क्या है। तो विज्ञान घर को वो पुरानी संस्कृति से जोड़ना चाहते थे नई संस्कृति को। तो वी थॉट कि इससे अच्छी प्लेस तो शायद सत्यकाम से अच्छी कोई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं आपको सत्यकाम की हिस्ट्री में ले जाना चाहूँ तो सत्यकाम का नाम ही हमने जो रखा था वो सत्यकाम का नाम रखा गया था। सत्यकाम जो थे बेसिकली, जिनके ऊपर हमने सत्यकाम का नाम रखा है, वो एक दासी पुत्र हुआ करते थे, जो कि दासी पुत्र जवाला के पुत्र थे वो, जिन्हें डिप्राइव कर दिया गया था एजुकेशन से, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे। तो पढ़ने के लिए वो जब गौतम ऋषि के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने, ऋषि ने उनको बोला कि ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो एक काम करो। उन्होंने कुछ गाय उन्हें गिफ्ट की कि इन गायों को ले जाओ, और जब ये 1000 हो जाए तब तुम वापस आना, तब तुम्हें हम एजुकेशन देंगे। तो गाय को लेके जंगल में चले जाते हैं, गाय को खूब सेवा करते हैं, वो खूब तगड़ी हो जाती हैं। जब 1000 हो जाती हैं तो उनमें से एक बैल उन्हें कहता है कि अब हम 1000 हो गए, हमें वापस लेकर चले। तो जब वो उसे वापस लेके चलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक स्वान मिलता है, तो वो भी उनको ज्ञान देता है। ऐसे ही रास्ते में उन्हें काफी लोग मिलते हैं, कुछ एनिमल्स मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, तो वो उन्हें ज्ञान देते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो गुरु से कहते हैं, अपने ऋषि से आके आगे कहते हैं कि मैं, लीजिए आपने मुझे गाय दी थी, मैं वापस आ गया और वो 1000 करके ले आया। तो ऋषि उन्हें कहते हैं कि अब तो तुम्हें किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, कि तुम्हें तो ब्रह्मांड से पूरे ज्ञान मिल चुका है, तो ब्रह्मा का ज्ञान मिल चुका है तुम्हें, अब तुम्हें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम तो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी पुरुष हो गए हो। तो लेकिन उस दिन जो सत्यकाम ने बोला, उन्होंने बोला कि एक गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है, मैं ज्ञान तो गुरु से ही लूंगा। तो इस जो पूरे कॉन्सेप्ट में जो विज्ञान गुरु को आप देख रहे हैं, कि बच्चे हो सकता है कि ये साइंस में बहुत एक्सपर्ट हो जो यहाँ आए हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत हो साइंस में, वो बहुत कुछ जानते हो, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन जब वो अपने 10 दिन या बिताएंगे विज्ञान गुरु के साथ, तो एक विज्ञान गुरु की महिमा उन्हें समझ में आएगी कि विज्ञान गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है। उन्हें सत्यकाम के अंदर रहने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग केवल वैदिक वैल्यूज के ऊपर ही नहीं काम करते, हम वैदिक वैल्यूज को मॉडर्नाइजेशन के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दैनिक यज्ञ भी रोज होता है, हमारे यहाँ मेडिटेशन भी कराई जाती है बच्चों को, पहली रोटी गाय की भी बच्चे लेकर आते हैं, हमारे यहाँ बच्चे पैर भी छूते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न बैंड में भी एक्सपर्ट हैं, डिबेट्स में भी एक्सेल कर रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बच्चे रोबोटिक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वी आर कल्मिनेटिंग बोथ द कल्चर, और यही कॉन्सेप्ट आपकी बार जो है आपके विज्ञान घर का भी है, क्योंकि वो वैदिक कल्चर को मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जो पुराने हमारे ऋषि, जो कि हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, चाहे वो नागार्जुन रहे हों, चाहे जेसी बोस रहे हों, या और भी बहुत सच्चे सुश्रुत रहे हों, बहुत सारे जो हमारे पुराने ऋषि रहे हैं जो साइंस में हमारे को बहुत कुछ दे गए हैं, वो हम उस कल्चर को आगे लेते हुए चले, उनके अंदर और एडिशन करते हुए चले, क्योंकि साइंस कभी रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए हमारे विज्ञान घर का आज का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगा जानकर आपके बारे में, और सत्यकाम के बारे में जानकर बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला, और कैसे अपने बच्चों को आज के टाइम में संस्कृति से जोड़ के रखता है, ये बहुत अच्छा है। तो मैं पूछना चाहूंगी, जब सर ने आपको विज्ञान घर के बारे में बताया, और अब जब से लेके आप तक मैंने देखा है और सब जानते हैं कि सत्यकाम के टीचर्स ने पूरा सेटअप किया है, आपके टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा, और आप अभी तक विज्ञान घर से क्या समझ पाई है कि क्या है और किस टाइप से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा?
जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ विज्ञानकर अब की बार सत्यकाम में होना वाला है और हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो आई डिस्कस विद माई टीचर्स एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम दैट दे टुक इट टू देयर नॉट टू देयर माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल. दे एक्चुअली सपोर्टेड मी अ लॉट. और हमने दिन देखा है ना रात देखी है एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट. हमें पूरा एक महीना हो गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी मेहनत की गई है. एक एक प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से बनाया हुआ है और टीचर्स ने बड़ा कारीगरी से मतलब साइंस को भी दिखाया है, वैदिक कल्चर को भी दिखाया है और शायद सत्यकाम में पूरा एक गांव ही बसा दिया है. मतलब एक छोटी से छोटी चीज को उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि गांव में क्या चीज होती है, कैसे चौपाल लगाई जाती है, कैसे ट्रैक्टर होना चाहिए, कैसे उनका चूल्हा होना चाहिए. तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीम कि उनके सपोर्ट के लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल होना चाहूंगी. वो तो हमने सभी ने देखा है कि पूरे सत्यकाम में एक छोटा सा सच में गांव बसा दिया है और बहुत अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे आने के बाद और वो एफर्ट्स भी दिखते हैं. और मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जब बच्चे यहाँ पे आएंगे उनके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे और आप खुद कितना एक्साइटेड है 10 डेज बच्चों को देखने के लिए. आज जब बच्चे यहाँ पर आए, एक्चुअली कुछ बच्चे तो यहाँ पर आ गए हैं और उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि ऐसा क्या होने वाला है. क्योंकि रियलिटी शो हमने केवल टीवी पर सुना था तो फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिल रहा है कि रियलिटी शो क्या होता है. हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि रियलिटी शो एक्चुअल में होता क्या है क्योंकि हमने भी आज तक क्लस्टर्स ही होस्ट किए थे जिसमें बच्चे 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर आते थे. लेकिन अब की बार पूरा 10 डेज का स्टे है बच्चों का. और खाली स्टे ही नहीं है, ये एक डिफरेंट तरीके का स्टे है जिसमें अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाएंगे, बच्चे उनको करेंगे, बहुत सारी थेरेपीज भी हम बच्चों को कराएंगे, यज्ञ भी बच्चे यहाँ पर करेंगे. तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं जो मुझे उनकी आवाज से लगा कि वो अपनी फैमिली से दूर होते हुए भी उन्हें कोई भी डर नहीं लग रहा कि इतनी दूर आ गए हैं. कुछ कुछ तो कोई लखनऊ से आया है, कोई पीलीभीत से आया है, तो अलग अलग दूरी से बच्चे आए हैं लेकिन उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट काफी देखने को मिल रहा है और वो एक्साइटमेंट हमारे एक्साइटमेंट को भी बढ़ा रहा है कि वो क्या करेंगे और हम क्या देंगे उनको और उससे क्या रिजल्ट्स निकल कर आएंगे. तो बहुत मजा आने वाला है. और मैं बस आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे आए हैं आने वाले हैं इस सीजन 4 में, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती है? मैं उनके लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि वो यहाँ सबके साथ मिलकर रहें, प्यार से रहें और खुश रहें और नई चीजें सीख कर जाएं एक दूसरे के साथ. और हमारी जो पृथ्वी जो आज के इस टेम्परेचर को धीरे 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 बढ़ता जा रहा है उसके मैसेज के लिए हम उन्हें काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर सिखाएंगे और बताएंगे. तो इस पृथ्वी को बचाने के बहुत सारे उपाय उन्हें सिखाए जाएंगे तो वो आगे जाकर इसी मैसेज को स्प्रेड करें कि सेव अर्थ सेव एनवायरमेंट. तो अभी हमारी मुलाकात हुई सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम से और मुझे मिलके खुद बहुत अच्छा लगा. काफ़ी नॉलेज मेरे को दिखी इधर और लग रहा है कि हाँ सच में मैम भी बहुत एक्साइटेड है, सब बहुत एक्साइटेड है. तो अब मिलते हैं हम अपने सीजन 4 में जल्दी.